लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट गोरखपुर में है और गोरखपुर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज की बात करें तो अब तक पहले दिन दो निर्दल प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिला किया है और अभी भी भाजपा समेत जो अन्य चेहरे हैं अब तक पर्चा दाखिला नहीं किए हैं। ये गोरखपुर लोकसभा सीट है जो वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट माना जाता है। यहाँ बात करें तो यहाँ बीजेपी की या यूं कहें तो मंदिर से जुड़े लोगों की पिछले 35 वर्षों से यहाँ पर कब्जा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं 1998 से 2017 तक इस गोरखपुर के सांसद रहे हैं। उसके बाद रवि किशन मैदान में आए और रवि किशन गोरखपुर से सांसद बने। पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रवि किशन को मैदान में लाया गया है। तो वहीं इंडी गठबंधन के तरफ से समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री कही जाने वाली काजल निषाद मैदान में है। आगामी 1 जून को गोरखपुर में मतदान होना है, जिसको लेकर के यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर के यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गोरखपुर लोकसभा सीट जब भी यहाँ कोई चुनाव होता है तो देश भर के तमाम लोगों का इस गोरखपुर के सीट पर नजर बनी होती है। यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र निषाद बहुलता क्षेत्र माना जाता है। वोटर्स की बात करें तो गोरखपुर में 4 लाख निषाद जाति के वोटर्स हैं, तो वही यादव 2 लाख और ब्राह्मणों की बात करें तो 1.5 लाख और ठाकुर यहां 1.25 लाख वोटर हैं। वही मुस्लिम की बात करें तो 1.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और दलितों की बात करें तो लगभग 2 लाख दलित वोटर्स हैं, जो तमाम वोटर्स मिल करके यहाँ के नेता को सांसद बनाते हैं और यहाँ से संसद भवन में भेजते हैं। आगामी 1 जून को यहाँ के तमाम मतदाता उन सभी प्रत्याशियों के किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे और आगामी 4 जून को ईवीएम खुलेगा, तब पता चलेगा कि किन प्रत्याशियों को यहाँ के मतदाताओं के द्वारा सबसे ज्यादा समर्थन दिया गया है। बहरहाल अभी के लिए आपको बता दें तो आज पहला दिन था और आज से नामांकन का प्रक्रिया शुरू किया गया है। पहले दिन निर्दल प्रत्याशी 2 लोगों ने नामांकन किया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद प्रत्याशी बने हुए रवि किशन शुक्ला और इंडी गठबंधन की तरफ से काजल निषाद समेत कई अन्य चेहरे हैं जो अब तक नामांकन नहीं किए हैं। आज से नामांकन का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है। आगामी 17 मई तक यहां नामांकन का प्रक्रिया होगा, उसके बाद वो तमाम नेता लोगों के बीच में जाएंगे। अभी के लिए बताएं तो मात्र अभी तक 2 निर्दल प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, पर्चा दाखिला किया है और उनके अलावा भी तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी भी नामांकन नहीं करा पाए हैं। 1 जून को मतदान होना है और जिसके मद्देनजर जो भी प्रत्याशी हैं वो तमाम लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल बता दें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले 35 वर्षों से चाहे वो महंत अवैधनाथ जी महाराज हो या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो या रवि किशन, इन सभी को मिला दिया जाए तो पिछले 35 वर्षों से यहाँ इस लोकसभा गोरखपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तमाम प्रत्याशी आते हैं हराने के लिए, लेकिन यहाँ के वोटर हमेशा ही पिछले 35 वर्षों से सभी वोटर ज्यादातर वोटर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 7% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी रवि किशन शुक्ला को समर्थन दिया था, जिसके बाद वो भारी मतों से विजयी होकर के गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। देश के तमाम लोगों का, देश के तमाम नेताओं का यहाँ पर ध्यान केंद्रित रहता है। यहाँ कोई भी चुनाव हो, गोरखपुर में कोई भी चुनाव होता है, देश के तमाम लोगों की नजर यहाँ बनी होती है। अभी वर्तमान की बात करें तो यूपी में वाराणसी के बाद ये दूसरे नंबर पे सबसे हॉट सीट है और बताया अभी जाता है कि इस लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी विजय हासिल करता है अगल बगल के कई लोकसभा सीट पर उनका बेहद प्रभाव होता है, उनका प्रभाव पड़ता है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश का यह सीएम सिटी है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये होम सिटी है गोरखपुर और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 वर्षों से कब्जा बनाई हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो इस बार
लड़ाई जो है सीधा काजल निषाद यानी इंडी गठबंधन काजल निषाद और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी रवि किशन के बीच होना है। आगामी 1 जून को यहाँ के तमाम मतदाता इन सभी के किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे और 4 जून को ये तमाम मतदाता ये बता देंगे गोरखपुर का सांसद कौन होगा, रवि किशन या काजल निषाद होंगी या जो भी अन्य प्रत्याशी वो होंगे, वो आगामी 4 जून को जब मतगणना होगी तो सबके सामने हो जाएगा। बाकी आपसे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही 2 निर्दल प्रत्याशी आकर के अपना नामांकन किए हैं और यह 17 मई तक नामांकन का प्रक्रिया चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अभी की बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया बंद होने की वजह से यहाँ आपको कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रक्रिया का नामांकन प्रक्रिया चल रहा था तो चारों तरफ स्थानीय पुलिस के जवान मौजूद थे और उनके द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जिससे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आगामी 1 जून को मतदान होना है, उस मतदान को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।